पटियाला तो एमपी धर्मवीर गांधी की अगुवाई च एक वफद वीरवार नूं नशिया की समस्या के बारे मुख्यमंत्री नूं मिलिया। नशिया के मुद्दे से बोलदिया गांधी ने कहा कि सप्लाई पक्ष से ही जोर देने की बजाय नशिया की मंग के वल भी बराबर ध्यान देने की लोड़ है। नाल ही नशिया के मुद्दे से सख्ती के कारण अमलिया के विच भय पैदा हो गया है। अफीम भुक्की के रेट दुगने हो गए हैं। अमलिया ने लोड़ की पूर्ति के लिए गुआढ़ी सूबे के वल वतीरा कर लिया। इस तो अलावा गांधी ने कहा कि चिट्टे वर्गे सिंथेटिक नशियां नूं सख्ती दे नाल दबाउणा चाहिए। सरकार चाहे तो एनडीपीएस एक्ट के अधीन अपने नियंत्रण के हेठ अफीम भुक्की की खेती करवा सकती है। इस मुद्दे पर डॉक्टर धर्मवीर गांधी के नाल खास गलबात की साडे पत्रकार पंकज कपाही ने। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि 4 हफ्ते में नशा जो है वो जड़ से खत्म किया जाएगा, लेकिन अफीम भुक्की जैसे जो रवायती नशे हैं उसको सूबा सरकार शुरू करवाए। इस मांग को लेकर जो सांसद हैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी वो मुख्यमंत्री से मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपने मांग रखी है कि अफीम भुक्की जैसे नशे को जो है वो शुरू करना चाहिए, सूबा सरकार को जो है वो शुरू करना चाहिए, क्यों इस तरह से करना चाहिए? देखिए, ये अफीम और भुक्की ये दोनों पंजाब के परंपरागत नशे हैं। पंजाब सदियों नहीं हजारों सालों से एक फिक्स मात्रा में एक विशेष मात्रा में इन नशों का प्रयोग करता आया है और वो आदमी को नकारा नहीं करते, उससे आदमी काम करता है, रोजी रोटी कमाता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो। सो इसलिए ये कोई ये घातक नशे नहीं है, जानलेवा नशे नहीं है। जो नए नशे मार्केट में आए, चाहे वो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो स्मैक है, चाहे वो चिट्टा है, चाहे मेथाडोन वगैरह है, चाहे वो और एफिड्रिन है, जो जिनमें कई नाम गिना सकता हूँ, वो जिंदगी के लिए घातक हैं, उनसे आदमी मरता है। कि जो कोशिश कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हमें उस पर कोई शंका नहीं है, हम खुद मिलके आए हैं, पूरी टीम लगी हुई है बड़े सीनियर पुलिस अफिसरों के नेतृत्व में। जो आदमी सदियों से भांग से लेकर फीम पुक्की तक सदियों से यूज करता है आ रहा है, तो उसके ऊपर वो सख्ती ना की जाए, उनको ये कुछ निश्चित मात्रा में मेडिकल सुपरविजन के अधीन उनको सप्लाई करना यकीनी बनाया जाए, ताकि वो मजबूरी बस एक तो महंगा रेट देखकर, क्योंकि इनके नशे जब से जिस पंजाब नई सरकार आई है एकदम आसमान को चढ़ रहे हैं, इनके जो मूल्य हैं आसमान को चढ़ रहे हैं। माफिया ने मूल्य बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि वो कहते हैं हमें बहुत खतरा है। तो अगर वो सरकार चाहती है तो वो इनको सप्लाई करे, ताकि लोग मजबूरी बस जो घातक नशे हैं, मेडिकल नशे हैं और सिंथेटिक नशे हैं, उनकी तरफ ना जाएं। लेकिन नशा तो नशा है, चाहे कम नुकसान करे चाहे ज्यादा नुकसान करे, क्योंकि देखा है कि अफीम भुक्की खाने वाले उनसे ये जो आदत है वो छूटती नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार शुरू करवाए तो नुकसान नहीं होगा उसका? नहीं, लोग तो अभी भी कर रहे हैं, पर लोग किस कीमत पे कर रहे हैं, वो क्या उनको पे करना पड़ रहा है? माफिया के रास्ते उनको सप्लाई हो रही है, माफिया के रास्ते सप्लाई को, माफिया में हजारों करोड़ का प्रॉफिट है। पंजाब में तो चाहता हूँ जितनी पंजाब की शामरा जमीन है सुपरविजन के नीचे, पूरी निगरानी के नीचे उस पर खेती करवाई जाए, और जो अफीम है वो इंटरनेशनल मार्केट में इतनी महंगी है, वो दवाई कंपनियों को चाहिए, वो उससे सरकार को मालिया भी मिलेगा, और जो पुक्की है या फीम जो थोड़ी मात्रा में फीम है वो हॉस्पिटल के थ्रू अपनी जनता को थोड़ी थोड़ी जितनी उनकी डिमांड है वो दी जाए। मुख्यमंत्री जिस तरह से 4 हफ्ते में नशा खत्म करने की बात कह रहे हैं, आपकी बात सुनकर उनका क्या कहना था कि सरकार इसे शुरू करवाएगी, सरकार जो अफीम भुक्की? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सरकार शुरू करवाएगी, वो उन्होंने कम से कम इतना जरूर पूछा अफीसर से कि भाई जो पहले सरकारी अस्पतालों से लोगों को अफीम भुक्की मिला करती थी वो कब बंद हुई? तो अब सरकारी अफसर ने बताया कि 1986 में वो बंद हुई है। तो एक इसका मतलब है कि उनके दिमाग में तो आया कि हाँ ये इस बात की जरूरत है, उनके सोच में आया है, उनकी मंशा साफ है, उनके इरादे बहुत नेक हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस पर कोई शंका नहीं है, पर जो रास्ता बना रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो सप्लाई साइड का, कि सप्लाई को काट दो, सप्लाई में सारी सप्लाई। तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अफीम भुक्की जैसे जो नशे हैं उसको प्रदेश सरकार को जो है वो शुरू करवाना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया दिल्ली।